कश्मीर घाटी में भारी बारिश के बाद नदियां और पानी के दूसरे स्रोत लबालब भर गए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 26 से 30 अप्रैल तक मैदानी इलाकों में और बारिश होगी, जबकि ऊंचे इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी होगी। कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। और आज मॉर्निंग में भी जो है बारिशें इंटरमीटेंटली चल रहा है, खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी। बाकी जम्मू के मैदानी इलाकों में मौसम थोड़ा अबर आलूद बना हुआ है। बाकी इंटरमीटेंटली खासकर 28-29 को जो है कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इम्कान हैं। डल झील के अंदरूनी इलाकों में पानी तय स्तर से ऊपर बह रहा है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। सैलानियों और शिकारा मालिकों को गहरे पानी वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी गई है। तो लोग जो नदी नालों के आसपास रहते हैं वो थोड़ा सा एहतियात बरतें हैं, क्योंकि वाटर लेवल जो है राइज होने के चांस हैं, क्योंकि बारिशें जो है मुसलसल रहेगी लगभग 30 दोपहर तक। और जो बोटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं खासकर जहलम में या उसके ट्राइब्यूटरीज के अंदर या बाकी जो वाटर बॉडीज हैं खासकर डल लेक, उलर लेक या नगीन लेक, इन सारी जगहों पर कभी कभार पानी की वजह से भी और हवाएं भी चलती हैं जब भी मौसम जो है खराब रहता है, तो किसी भी किस्म का हादसा न हो लोगों को थोड़ा सा वेदर वाइज थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे सफर पर निकलने से पहले यातायात पुलिस से परामर्श कर लें।